चकलाघर से मासूम मुक्त धंधेबाज महिला गिरफ्तार। चास पुलिस ने यदुवंश नगर में छापेमारी कर चकलाघर का भंडाफोड़ किया है। अड्डे से एक 15 वर्षीय मासूम को मुक्त कराया गया। साथ ही सेक्स रैकेट संचालित करने वाली महिला सुलेखा उर्फ मुस्कान व उसकी सहयोगी अनिता उर्फ बुबू को गिरफ्तार किया गया है। चास इंस्पेक्टर अमिताभ राय ने बुधवार को थाने के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। कहा कि मुक्त की गई 15 वर्षीय नाबालिग के मां के देहांत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई। घर में उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। इस क्रम में 15 अगस्त को नाबालिग का बालीडीह में एक व्यक्ति से भेंट हुई। उसने कहा कि वो उसके साथ चले तो वो पढ़ाई, रहने, खाने का व्यवस्था कर देगा। मासूम उसके साथ चल दी। उस दलाल ने उसे यदुवंश नगर सुलेखा के पास पहुँचा कर निकल गया। उसी रात उसके साथ घर के अंदर एक युवक ने जबरन दुष्कर्म किया। फिर सिलसिला चालू हो गया। हर रोज नए नए लड़के आते थे, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इधर नाबालिग ने पुलिस को बयान दिया है कि उक्त घर में बंगाल के अलावे बोकारो सिटी बालीडीह से लड़कियां आती थी। हर रोज नए नए लोग आते थे जिससे रुपए लेकर देह व्यापार कराया जाता था। कॉलोनी का मामला है, कुमार सिंह कॉलोनी में सुलेखा और मुस्कान के यहाँ सूचना मिला कि कुछ देह व्यापार का धंधा हो रहा है। तो जब रेड मारा गया, कोई लड़के तो नहीं मिले, मगर तीन महिलाएं मिली, जिसमें एक बच्ची थी, छोटी थी, लगभग 14 साल का। ला के पूछताछ किया गया तो वो बच्ची के द्वारा बताया गया कि वो रहने वाली है के साथ गलत काम करवाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा, इन दो महिलाओं के द्वारा। एक है अनिता उल खुशबू, दूसरी है सुलेखा उल मुस्कान। क्या लग रहा है कि सर बाहर से लड़कियों को ला कर रोते हैं? हाँ, इनके मोबाइल का जांच किया गया तो उसमें कई एक लड़कियों का फोटो भी है, जिससे लगता है कि बाहर की भी लड़कियाँ आती थी। जो छोटी सी बच्ची है उसके बयान में भी बात आ रही है कि और कहीं कहीं से कोई कोई लड़की आई। कहाँ कहाँ से सर पता चला है? अभी पता चला है जैना मोड़, बालीडीह और कलकत्ता साइड की भी लड़की आती थी। कितने दिनों से चल रहा था ऐसा? ये लड़की जो बता रही है, बोलिए 2-3 महीना से ये कर रही थी, बाकी ये कितने दिन से पता चल रहा है ये पता। क्या सर लोग कुछ रेट चार्ट भी हुआ करता था क्या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अब पुलिस आगे क्या कर रही है? अभी इनकी गिरफ्तारी होगी और जेल भेजा जाएगा। इनके साथ और किसी की संलिप्तता? अभी तक किसी की संलिप्तता